आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग सीएससी जब अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका जब सीएससी अप्रूव हो जाता है यानी कि जब सीएससी आईडी आपका जनरेट हो जाता है उसके बाद आप अपने सीएससी पोर्टल में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करेंगे और उसके बाद आपका जो सीएससी आईडी सिर्फ मिलता है और डीजीमेल और पासवर्ड जो होता है वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम एमडी नूर आलम है और आप देख रहे हैं एनबीजीआई यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर में आप टाइप करेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो फर्स्ट वाला वेबसाइट जो आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगा register.cse.gov.in। उसके बाद आपको यहां पे जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपका सीएससी आईडी अप्रूव हुआ है या नहीं, जस्ट स्टेटस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे डालेंगे, पर यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया वो डालेंगे, सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का जो नाम है वो धर्मेंद्र कुमार है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे जो सी एस सी आई डी यहाँ पे शो कर रहा है आप इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कोई भी ब्राउजर में आप टाइप करेंगे सी एस सी लॉगिन, उसके बाद इंटर वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा आपके पास उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन वाला बटन जो दिया गया वो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी एस सी आई डी डालेंगे। जब सी एस सी आई डी आप डालते हैं तो आपके पास कोई भी पासवर्ड नहीं आया, उसके लिए यहाँ पे जो फॉरगेट वाला बटन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सी एस सी आई डी डालेंगे, उसके बाद जो रजिस्टर्ड ईमेल आई डी है वो डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चर दिया गया यहाँ पे ये डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ए न्यू पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैसेज आ गया है कि आपका जो ईमेल आई डी है उस पर पासवर्ड सेंड कर दिया गया हुआ है। उसके बाद जो मेरे पास लिंक आया हुआ था उस पर हम क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फाइनली मेरा पासवर्ड जो है सक्सेसफुल चेंज हो गया है। उसके बाद फिर से इस पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे सी एस सी आई डी डालेंगे, उसके बाद जो नया पासवर्ड बना है वो डालेंगे, उसके बाद जो कैप्चर दिया गया वो डालेंगे, उसके बाद साइन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स देना होगा जैसे कि आपका सेंटर का जो नाम है वो यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप चूज करेंगे रूरल या फिर अर्बन है। उसके बाद यहाँ से आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना पंचायत चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका जो भी विलेज होगा वो चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी सेंटर का, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ये दिया गया हुआ कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करेंगे या नहीं, उसके बाद यहाँ पर से आप अपना डीजी पे यूज कीजिएगा या नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको यस नो करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी सर्वे लिंक था वो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन जो दिया गया हुआ इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वे सेव सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया, उसके बाद मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो गया है। जो भी हम इसमें सर्विसेज यूज करते हैं जैसे पेंशन केवाईसी हो गया या फिर पीएम किसान सम्मान निधि केवाईसी हुआ, जब मेरा पेमेंट डेबिट होता है तो वहाँ पे वॉलेट पिन मांगा जाता है, तो वॉलेट पिन मेरे पास तो आया हुआ था नहीं, तो हम वॉलेट पिन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे माय प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माय प्रोफाइल है, उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे चेंज वॉलेट पिन है जो कि हमको वॉलेट पिन यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आपके पास वॉलेट पिन पहले से है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज करेंगे मोबाइल और उसके बाद जनरेट ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो वॉलेट पिन आप रखना चाहते हैं अपने मन मुताबिक वो यहाँ पे डालेंगे 6 डिजिट का, उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ से कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिन चेंज सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, अब अपना डिजिटल सेवा पोर्टल आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसी तरीके से आपको लॉगिन करना पड़ता है। इस पे जितने भी सर्विसेज है वो इस पे हर समय वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप लोगों को सीएससी से संबंधित या फिर आपको सीएससी का पासवर्ड क्रिएट से संबंधित कोई मन में कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।